सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूँ सरफराज, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सरफराज कौन स्टार्ट। आज मैं एक पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ मोनोक्रोम, लेकिन मैं इसे मोनोक्रोम नहीं कहूँगा, क्योंकि मोनोक्रोम में होता क्या है कि सिंगल कलर से हम सारा कुछ पेंट करते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक दो कलर से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और हाँ, आखिर तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि मैंने आखिर में कुछ टिप्स दिए हैं जो कि मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो उम्मीद है आपको भी उससे फ़ायदा हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पूरे एरिया में पानी अप्लाई कीजिए। पानी अप्लाई करते वक्त ध्यान रखिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है वहाँ पर आपको नहीं लगाना है, या तो अगर लगा भी दिए हैं गलती से तो उसे आप टिश्यू पेपर से वहाँ से पोंछ सकते हैं, उसे सुखा सकते हैं, उसके बाद ही कलर अप्लाई करें। पहला टोन अप्लाई करते वक्त ध्यान रखिए कि एक ब्रश में कलर हो, दूसरे ब्रश एकदम साफ हो और क्लीन हो। तो दोनों ब्रश का इस्तेमाल कैसे करना है कि पहले ब्रश से आपको कलर अप्लाई कर देना है और दूसरे ब्रश से उसे मिक्स करते हुए चलना है, ताकि उसमें जो सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहे। ये चीज़ सिर्फ पहले टोन में ही नहीं, बाकी जितने भी आप टोन लगाओगे सब में यही चीज़ अप्लाई हो। जब पहला टोन हो जाए तो उसे कम्प्लीटली सूखने दीजिए। जब सूख जाए अच्छे से फिर से पानी अप्लाई कीजिए, फिर दूसरा टोन देना शुरू कीजिए। यही प्रोसेस सारे पे अप्लाई होगा। जितने भी आप टोन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन आपको हर बार सूखने देना है अच्छे से, और फिर पानी अप्लाई करना है, फिर कलर लगाना है। इस प्रोसेस से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो सॉफ्टनेस है स्किन की, या फिर जो भी आप पेंट कर रहे हैं उसमें सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी। तो
तो आखिर में मैं ये टिप्स देना चाह रहा था कि जैसे होता क्या है कि एक टोन तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन जैसे ही दूसरे टोन की तरफ जाते हैं तो उसमें गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक पेपर लेना है, उस पर लाइन खींचते रहिए। जैसे अगर पहला टोन लगाया उसको लाइन खींच दीजिए दूसरे छोटे से पेपर पे, और बाद में फिर अगर दूसरा टोन लगा रहे हैं तो उसका फिर से कलर मिक्स कीजिए और उस पर लगा के देखिए कि हाँ पहले वाले से ये डार्कर है कि नहीं। इसी के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसमें जितने भी टोन आपको दिख रहे हैं ये सारे मैंने इसी पोर्ट्रेट में इस्तेमाल किए हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।